तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष टेक। तो आज की वीडियो में जो कि बताऊंगा कि आप अपने चैनल पे एक ब्रांडिंग सा लोगो कैसे लगा सकते हैं, जो कि आपको कोई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक सेटिंग जो कि आपके यूट्यूब में ही है वो सेटिंग बस आपको ऑन कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके वीडियो में जो कि लोगो आपका चैनल का लग जाएगा। आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, एडिटिंग करने के समय जिस समय एडिटिंग करते हैं तो ऊपर में साइड में लगाते हैं, वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक से हर वीडियो में आपका वो लोगो लग जाएगा। तो ये आपको करना कैसे है, तो मैं सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, आपके पास जो कि क्रोम ब्राउज़र होगा, तो क्रोम ब्राउज़र आपके फ़ोन का ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए, क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर दिया है। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपका कुछ इस तरह क्रोम ब्राउज़र का इंटरफेस खुलता होगा। तो आपको फिर यहाँ पे यूट्यूब में क्लिक कर देना है। यूट्यूब में क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह खुलेगा। तो यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो देख पा रहे होंगे। उसके बाद इस तरह खुलने के बाद तो इस तरह खुल जाता है YouTube की तरह, वो YouTube। उसके बाद थ्री डॉट के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है, तो यहाँ थ्री डॉट में क्लिक करना है। थ्री डॉट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट आपको ऑन कर लेना है। ये जो है डेस्कटॉप साइट आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं जानते हैं डेस्कटॉप साइट तो बता देते हैं। ये जो है डेस्कटॉप साइट, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह कंप्यूटर की तरफ जैसे लैपटॉप में दिखता है, इस तरह आपका फ़ोन में दिखने लगेगा। तो डेस्कटॉप साइट पे ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह खुलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी थोड़ा नेट स्लो है, इस कारण थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखिए, हम डेस्कटॉप साइट पे ऑन करने के बाद कुछ इस तरह खुल गया होगा। इस तरह खुलने के बाद यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे जो कि चैनल का आपको लोगो दिखता होगा, तो चैनल के लोगो पे क्लिक कर देना है। जैसे चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो दिख पा रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो सबसे ऊपर में, तो यहाँ पे इसमें यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करना है। तो यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह खुलता है। उसके बाद आपको नीचे सबसे नीचे में यहाँ पे दौड़ता हुआ इंसान दिख रहा होगा, तो उस वाले पे क्लिक करना है। उस वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड में TH बीटा लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक कर देना है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो दिख पा रहा होगा। तो इस वाले में आपको क्लिक करना है, द बीटा इज स्लो। तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये जो है सबमिट, तो यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करने के बाद फिर खुलता है। तो सबमिट वाले पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह खुलता है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट जो कि यहाँ पे ऑन कर देना है, इस पे क्लिक करना है डेस्कटॉप साइट पे। तो ये डेस्कटॉप साइट पे ऑन हो जाएगा। उसको डेस्कटॉप साइट पे ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा जो कि यहाँ पे चैनल, तो इस चैनल वाले पे क्लिक करना है। तो चैनल पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह खुल जाता है। उसके बाद जाना है यहाँ पे ब्रांडिंग पे जाना है, जो कि मैंने बताया था आपको ब्रांडिंग वाला सेटिंग, तो इसको बोला जाता है ब्रांडिंग। तो ये जो है इस ब्रांडिंग वाले पे, इस ब्रांडिंग वाले में क्लिक करना है। ब्रांडिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह, अगर आप पहले से नहीं सेट किए होंगे तो कुछ इस तरह आपका खुलेगा। उसके बाद ऐड ए वाटर मार्क पे क्लिक करना है। ऐड ए वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख पा रहा होगा ये जो है ऐड ए वाटर मार्क, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह आपका यहाँ पे एडिट का ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पे चूज ए प्रोफाइल कर लेना है, ये जो है दिखा रहा है। तो यहाँ पे चूज ए प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे कि आपका गैलरी खुल जाएगा, तो गैलरी से आपको गैलरी या फाइल खुलेगा, तो यहाँ से फाइल वाले चूज कर लेना है, और जो भी आपका चैनल का लोगो है उसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फाइल में चल जाता हूँ और अपने फाइल से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा चैनल का लोगो, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कर देना है, ये सेव वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो कि सेव हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह।
तो देखिए ये जो मेरा चैनल है, ये चैनल का लोगो, आपके पास जो कि चैनल का लोगो होगा तो चैनल का लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक कर देना है। जो कि हाई से चूज करने के बाद यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो कि आपको कुछ इस तरह देखेगा। जैसे आप वीडियो को रोटेट पूरा फुल में करके देखते हैं, फुल मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं, तो अगर मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल में पूरा फुल स्क्रीन में करके देखते हैं तो आपको इस तरफ नीचे साइड में मेरा भी वीडियो अगर देखिएगा तो मेरे चैनल का लोगो इस तरह कुछ साइड में मेरा दिखेगा। तो इस तरह आप अभी अपने चैनल का लोगो लगाइएगा तो यहाँ पे इस तरह दिखेगा। तो मेरा देखिए यहाँ पे सेट किया हुआ है 5 सेकंड के बाद जो कि यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो आपको दिखने लगेगा वीडियोस पे। तो इस तरह मैं यहाँ पे सेट कर लिया, तो मैंने इसको एंटायर कर देना है। यहाँ कस्टम वाले पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पे एंटायर वाले पे क्लिक कर देना है, इस वाले में क्लिक कर देना है और क्लिक करके और इसको बस सेव हो जाएगा। तो बस यही था वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।